सीतापुर में ट्रैफिक चौराहे पर एक रोडवेज बस ने साइकिल सवार वृद्ध को मारी जोरदार टक्कर। ट्रैफिक गार्ड गंगाराम पांडे ने बस को रोकने की कोशिश की तो उन पर भी बस चढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन गंगाराम पांडे बाल बाल बच गए। मौके पर वृद्ध व्यक्ति की साइकिल बिल्कुल टूट गई और वृद्ध व्यक्ति को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजा गया। सपा की साइकिल रैली में शामिल होने आया था वृद्ध, लेकिन रैली स्थल की तरफ जाते समय ट्रैफिक चौराहे पर रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी। चौकी इंचार्ज पवन कुमार द्विवेदी ने घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल भेजा। वहीं रोडवेज बस को अपने कब्जे में लेकर सीतापुर कोतवाली भिजवाया। आए थे ये कैसे हादसा हुआ? किस रहते ही संतोष के घर पे रहते थे। किस वाहन से हादसा हुआ? आप हम पैदल थे, साइकिल रहन यहाँ पैदल रहन, धीरे धीरे चले रहन किनारे किनारे, अब वो किनारे से रहता इकट्ठा कर दी थी गाड़ी। रोडवेज बस से हुआ ना? हाँ रोडवेज बस से। एक्सीडेंट जो अभी हुआ चौराहे पर, इसका ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? रोडवेज बस वाले से हुआ है। अच्छा अच्छा। रोडवेज बस वाला मतलब जो है साइकिल रैली वाले जा रहे थे झंडा लगाए हुए साइकिल का, इनको सीधा जाना चाहिए था, रोडवेज वाला अपना बाइन टर्न हो रहा था। अच्छा। लखीमपुर जाने के लिए है तो आगे आ गया, और मैं जब रोकने कोशिश किया हमारे ऊपर खुद चढ़ाते चला जा रहा है।